मध्य प्रदेश में अपराध जोन है तेजी से बढ़ रहा है। महज महक शौक पूरा करे खातिर तीन युवक जोन रहे अपराधी बन गए। बता दी कि राह चलत लोगों से मोबाइल छुड़ाए के ये आरोपी फरार हो जाते रहे। महज अपन महंगा शौक पूरा करे खातिर यमे के वारदात के अंजाम देते रहे, जिसके आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तीनों आरोपी का पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सब जगह का प्रणाम कहते शुरू कहते बड़ी खबर से बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा से यह घटना सामने आई है, जहाँ अपन शौक पूरा करे खातिर लोगन के मोबाइल छुड़ाए के रफू चक्कर होए वाले चार बदमाशन में से तीन बदमाशन का पुलिस का गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बदमाशन के द्वारा पुलिस सात मोबाइल और घटना का अंजाम देकर खातिर इस्तेमाल की जाए वाली मोटरसाइकिल घराए बरामद करी में वहीं पुलिस इनसे आगे की पूछताछ में जुटाए हैं। बता दें कि मोहट थाना पुलिस के द्वारा तीन बदमाशन का पकड़ा गया है। पुलिस का इनका लंबे समय से तलाश रही। बता दें कि पुलिस के लगे लगातार शिकायत पहुंचत रही कि बाइक सवार एक गैंग आवत थी और राह चलत लोगन के मोबाइल छुड़ाए के फरार हो जाती। पुलिस के द्वारा विशेष टीम बनाए के बदमाशन के खोजबीन शुरू की गए। अजय के बाद पुलिस का जानकारी मिली कि चार लोगन की टीम इस तरह के घटनाक्रम का लगातार अंजाम दे रही है। अजय के बाद मूंदी के रहने वाले तीन युवा का पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, जबकि एक आरोपी फरार बतावा जाता है। बता दें कि शौक पूरा करे खातिर ये आरोपी जो रहे मोबाइल लूटे की घटना का अंजाम दे में लगे रहे, जबकि चौथा इनकर आरोपी जो फरार होकर खोजबीन की जाला ही बे। वही घटना के खुलासा कही के सीएसपी के द्वारा बतावागा कि रिमांड वाले के इनसे पूछताछ की जाला ही बे, जैसे कि दूसर वारदात के बारे में भला इनसे जानकारी मिल सके। अपना बता दें कि हर व्यक्ति के शौक होते है जेका पूरा करे खातिर हर के वो अपने स्तर से पूरी मेहनत करत है और वो शौक का हासिल करे चाहते हैं। कबो कबो ऐसा होता है कि आर्थिक कमजोरी जो है वह शौक में बाधा जल आ जाती है, शौक पूरा करे में बाधा हो जाती है, जिसके चलते जो है हर व्यक्ति अपन शौक पूरा नहीं कर पावे। पर एक मतलब यह कतई नहीं आए कि अपन शौक पूरा करे खातिर गलत रास्ते में चला जाए। काहे से कि हर गलत रास्ता जो हर गलत रास्ता होता है वो अंजाम बुरा होता है। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।